नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और आर्यन खान ड्रग्स केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक चल रहा है और ये विवाद गंभीर मोड़ लेता जा रहा है। आर्यन ड्रग्स केस मामले में समीर वानखेड़े बुरी तरह से विवाद में घिरते और फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर अब समीर वानखेड़े ने ड्रग्स केस में ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से विवाद बढ़ता जा रहा है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। समीर वानखेड़े इस वक्त एक ऐसा नाम बन गया है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है और समीर वानखेड़े का नाम हाईलाइट होना भी लाजमी है, क्योंकि इस बार उन्होंने क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है। हालांकि ये कार्रवाई उन्होंने कोई पहली बार नहीं की। इससे पहले भी सुशांत मर्डर केस में हुए ड्रग्स से जुड़े तार पर वानखेड़े ने कई बॉलीवुड से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की थी। बता दें कि समीर वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर हैं और आर्यन खान ड्रग केस में जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर भी अब सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। क्रूज ड्रग केस में फंसे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से काफी समय से पूछताछ कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर अब खुद जांच बैठ गई है। उन पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। जिसके मद्देनजर वो बीते दिनों दिल्ली भी गए। क्रूज ड्रग्स के विवादों में फंसने के बाद समीर वानखेड़े ने मामले पर अपनी सफाई भी पेश की। और आपको हमारा प्रोफेशनल जो काम करते हैं आप उसको पर्सनली लेके और जो कोई भी आपके साथ में जो हमारे ऑलरेडी जो पहले कार्रवाई हुई है आप वो चीज को लाके मेरी फैमिली पे अटैक करेंगे, उस चीज की मैं निंदा करता हूं। मेरा कोई मोरल डाउन नहीं होगा। ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा, मैं और अच्छे से काम करूंगा। फिर धीरे धीरे करके समीर वानखेड़े के पुराने विवादों से जुड़ी कई जानकारियां एक एक कर सामने आने लगी। इसी बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग केस मामले में समीर वानखेड़े को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर अटैक करे और उनकी फैमिली की हिस्ट्री मीडिया और जनता के सामने रख दी। मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को ड्रग केस और पुराने विवादों में भंवर जाल में फंसता देखकर उनके परिवार वालों ने भी उनका समर्थन किया। इनफैक्ट जब वो ऐसे रिपोर्ट्स देखते तो हंस पड़ते, बोले मेरा इनका क्या संबंध, मैं क्यों इनके पीछे पड़ूं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉलीवुड में और ना ही उनको पकड़ने में भी। हाँ, वो ड्रग्स के खिलाफ है तो अगर ड्रग्स जहाँ पे भी बिकता है, फिर वो स्कूल के बाहर का पेडलर हो, कॉलेज के बाहर का पेडलर हो, या फिर कोई बैंक का मैनेजर हो, या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, इट डजंट मैटर टू हिम। ही विल गो आफ्टर देम इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट करियर और इंडस्ट्री दैट पर्सन बिलोंग। डर और थ्रेट्स तो है। आज देखिए कि हमारे काम क्या है और हम किस लेवल पे आके आप लोगों से बात करें। हमने तो आपको नहीं बुलाया था, ये तो नवाब जी का काम है। हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं, तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है। हाँ, हमको मिल रहे थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे आप, हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए हर रोज, और कोई झूठा झूठा एविडेंसेस
निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए, शायद जब तक मीडिया जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे ही वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग मामले में वानखेड़े की कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए। जैसे आर्यन ड्रग केस में आगे की कार्रवाई चल रही है, वैसे वैसे मंत्री नवाब मलिक का वानखेड़े पर हमला भी बढ़ता जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े के पर्सनल और काम से जुड़ी जानकारी के दस्तावेजों के साथ उन्होंने मीडिया के साथ उनको साझा किया और उन पर वसूली के भी आरोप लगाए। पिछले कुछ दिनों में एनसीबी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसी तरह से जारी है। वहीं मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ 16 आरोपों की चिट्ठी मीडिया के सामने भी पेश की। मलिक ने दावा किया कि ये चिट्ठी एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें भेजी है। मलिक ने ये भी कहा कि वानखेड़े ने बॉलीवुड के कई एक्टर से मोटा पैसा कमाया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। ना वो 8 लोग थे ना 10 लोग, वे 11 लोग थे। और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई के 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया, वो 3 लोगों के नाम है ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की, रेड आपकी 12 घंटे तक चली, उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ी। और एक आज और सवाल खड़ा कर रहा हूं कि एक एफआईआर दर्ज है जिसको लगभग 1 साल की मुद्दत हो गई, उसमें आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उसी एफआईआर के तहत दीपिका पोडोकोन को बुलाया गया, चार्ट के आधार पे बुलाया गया था, गिरफ्तारी नहीं हुई। सारा अली खान को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। श्रद्धा कपूर को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर ये झूठ है तो मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि सारे उस समय के मीडिया के चैनल को देख लें। जब जब कोई अभिनेता अभिनेत्री आती थी, पूरा देश का मीडिया फोकस लगा के बैठे रहता था। वो सारे लोग जिनको बुलाया गया,
उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी गहराई में जाइए। मैं ये भी कहता हूँ कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी, तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। कल आप लोगों से संवाद साधते समय जो एक एनसीबी के अधिकारी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, हमने वो पत्र अपने कवरिंग लेटर के साथ डीजी एनसीबी को भेजा है। पहले कहा गया कि उसकी भी हम दखल लेंगे और शाम होते होते ये कह दिया गया कि जो सीवीसी की गाइडलाइन है, कोई भी कंप्लेंट जिस पे कोई दस्तखत और नाम ना हो उसको दखल ना लिया जाए, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप उस पत्र में हैं, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, अगर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है तो हमें लगता है कि पूरे इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा होने जा रहा है। निश्चित रूप से जांच के लिए टीम आई है, जांच शुरू की गई है, पंच को बुलाया गया है। एनसीबी हमेशा कहती रही कि हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस पे ही हम जांच करते हैं। जिस तरह से प्रभाकर साली ने सारी घटनाक्रम को एफिडेविट द्वारा, वीडियो द्वारा उल्लेखित किया है, मैं मांग करता हूं जो आई है विजिलेंस कमेटी, वो समीर वानखेड़े जी का, केपी गोसावी का और प्रभाकर का, और एक किरदार और इसमें है जो समीर वानखेड़े जी का ड्राइवर है, पुलिसिया है, माने, इन सब का सीडीआर निकाल लीजिए। हमें लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी तो बयान जुटाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएगी। आर्यन खान ड्रग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारी वानखेड़े के बीच लड़ाई बढ़ते बढ़ते अब गंभीर विवाद बन चुकी है, जिसकी आंच अब बहुत लोगों पर पड़ सकती है। अब नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर एक नया आरोप लगाया है। मलिक ने कहा कि क्रूज पर वानखेड़े साहब का एक दाढ़ी वाला दोस्त भी मौजूद था, वह अपनी महबूबा के साथ नाच रहा था, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उस दाढ़ी वाले को खोजो, अगर उसका नाम नहीं पता चलता तो मैं उसे आपको अकेले में बताऊंगा। आगे मलिक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया समीर वानखेड़े का दोस्त है, वह भी क्रूज पर मौजूद था, अपनी महबूबा के साथ डांस और पार्टी कर रहा था, कहो तो इसकी वीडियो भी मैं जारी कर दूं। मलिक ने कहा कि क्रूज पर कोई भी छापेमारी नहीं की गई, जो भी तस्वीरें जारी की गई हैं, सब समीर वानखेड़े के कैबिन की तस्वीरें हैं। एनसीपी नेता ने कहा कि एनसीबी देश से ड्रग को खत्म करना चाहती है, तो वह ड्रग पैडलर को पकड़े, माफियाओं को गिरफ्तार करे, हम सब उसके साथ हैं और ड्रग्स को देश से खत्म करने में एजेंसी की मदद भी करेंगे, लेकिन 2-4 ग्राम चरस पकड़कर पब्लिसिटी हासिल न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई क्रूज पार्टी में ट्रैप लगाकर लोगों को फंसाया गया है। नहीं रिवील किया, नहीं सीसीटीवी फुटेज निकाले,
तो हमें लगेगा कि पूरा डिपार्टमेंट इस खेल में शामिल है। बिल्कुल, जो मैंने सर्टिफिकेट डाला है, निकाहनामा या बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैंने लोगों के सामने रखा है, अगर वो गलत साबित कर दें तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा, और मैं नहीं कहता कि वो नौकरी छोड़ दें। कम से कम आके जनता से माफ़ी मांग ले कि ये चीज़ सही है, मैंने उसे टेम्पर किया है। मैं उन्हें नौकरी से इस्तीफा दो ये नहीं कहता, लेकिन नौकरी तो जाएगी कानून के तहत। अब समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक चल रहा है और ये विवाद गंभीर ही मोड़ ले रहा है। आरएन ड्रग केस मामले में समीर वानखेड़े भी बुरी तरह से विवादों में घिरते हुए और फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों की चर्चाओं में अब समीर वानखेड़े पर पुराने ड्रग्स मामलों में वसूली समेत कई नए नए एंगल अब सामने आ रहे हैं। समीर वानखेड़े पर हो रही जांच की आंच कहां तक पहुंचती है, ये जल्द ही पता चल जाएगा। पर आर्यन ड्रग केस का दिखता हुआ ये पॉलिटिकल एंगल कई लोगों को जांच के घेरे में डाल सकता है, और क्या ये पूरा मामला ट्रैप है, ये अपने आप में इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है। प्राइम टीवी के लिए अर्चना राय की रिपोर्ट। आर्यन खान, समीर वानखेड़े और ड्रग्स केस से जुड़ी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।